यहाँ पर चोट लग गया मुझे और पूरा हाथ पैर सब गंदा हो गया। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए से वीडियो में। मैं बहुत दिनों के बाद आज बाहर निकला हूँ और एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था और जिस काम से मैं आया हूँ गुजरात उसी काम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिन से बिजी था जिसके वजह से मैं निकल नहीं पा रहा था। तो आज मौका मिला है और आज हम आए हैं एक जानकी वन जो कि आपको उनाए रास्ते में देखने को मिलेगा, जो मेरा पीछे एंट्री गेट आप देख सकते हो। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो वन है वो किस प्रकार का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये रहा आपका जो कि एंट्री गेट कह सकते हो और यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है जानकी वन, क्योंकि वहाँ पर मैंने पढ़ा तो वो इंग्लिश में, इसलिए मुझे समझ आ गया। और यहाँ पर आपको दो हिरन्स देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर आपको दो शख्स जो यहाँ पर गुजराती में लिखा, तो ज़्यादातर मुझे भी समझ नहीं आएगा और शायद आपको भी ना आए, पर एक चीज़ तो समझ आ जाता है गाइस कि ये जो मैप देख रहे हो ये पूरा वन का मैप है। तो किस किस डायरेक्शन से यहाँ पर कहाँ जाना है वो सब यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दिए हैं। फिलहाल इसको तो फॉलो करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। हम डायरेक्टली अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलता है। अभी मैं जस्ट एंटर किया हूँ और आपको यहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन टाइप में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको लाइन के कुछ स्टेचू देखने को मिलते हैं और साथ ही आपको पीछे भी रास्ता है। फिलहाल मैं पहले स्ट्रेट फॉलो करके चलता हूँ और देखता हूँ कि स्ट्रेट में आपको क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर आके काफ़ी सुकून मिल रहा है। मैं उस रास्ते से अभी स्ट्रेट करके आया, वो आपका मेन रोड पड़ता है और साथ में यहीं पर मैंने जो माउंटेन का बात किया वो, और वो रहा आपका शेर जिसका मैंने बात किया था। और इधर भी जाएंगे, उससे पहले मैंने अभी एक जस्ट सामने एक स्टेचू दिखा है किसी लेडीज़ का और कौन है उसका नाम पता नहीं। फिलहाल आप देख सकते हो ये गार्डन काफ़ी अच्छा से इन्होंने यहाँ पर सजा के रखा है और देखने के लिए भी काफ़ी कूल लग रहा है। गाइज ये पार्क काफ़ी बड़ा है, अभी मैंने जस्ट उस तरफ से एंट्री किया था और अभी करीब 5 मिनट हो गए मैं चल चल चलते और अभी लाइक थोड़े दूरी पहुंचा और काफ़ी लोग उस तरफ जा रहे हैं, मतलब मेरे ऑपोजिट इस तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं। सो उस तरफ देखते हैं क्या है, शायद मेरे हिसाब से कुछ झरना टाइप में होगा, मतलब पानी वगैरह कुछ ऐसा होगा, तो वो जाके देखते हैं कि किस तरह का देखने को मिलता है। और काफ़ी यूनिक चीज़ यहाँ पर स्टेचू भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैंने आया था उस वक्त वहाँ पर अलग से एक लायन का जो कि स्टेचू बना था वो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। फिर यहाँ पर एक कमल का फूल, शायद आप देख रहे हो कि नहीं, वहाँ पर एक कमल का फूल बना हुआ है जो कि कम्प्लीटली मतलब खिला नहीं है, कहते हैं ना मतलब थोड़ा सा खिला हुआ, इसमें मतलब आपको फ्लावर जो कि देखने को मिल रहा है वो है। और साथ ही इस तरह में एक पेंटिंग बनाया गया और उस पेंटिंग क्या है एक्चुअली वो नहीं पता, उसको पहले देखते हैं उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे। जैसे कि मैंने बात करा इस तरफ काफ़ी अभी लोग हैं तो उस तरफ चलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ तरफ क्या देखने को मिलता है। कैसे है बहन, कैम छो, बोलती नहीं है गाइस, एक तो बहुत ही मुश्किल से गुजराती सीखा हूँ बोलने के लिए और पर पता नहीं सही बोलता भी हूँ कि नहीं बोलता हूँ, पर नहीं पर जो भी बोल रहे हो, एक्चुअली मैं इसी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था। वो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड्स कह सकते हो वो है। उसके बाद यहाँ पर ये शायद कुछ फल वल वगैरह जो कि फूल क्या है, हाँ फूल है गाइस वो है। उधर ऊपर में एक महिला देखिए, वो शायद हेलीकॉप्टर या कंट्रोल कर रही होगी। वहाँ पर आपका एक मिसाइल मैन जो कि पायलट कह सकते हो वो सब वगैरह, काफ़ी अच्छा यूनिक पेंटिंग कह सकते हो, डिज़ाइन कह सकते हो, काफ़ी अच्छा से इन्होंने बनाया यहाँ पर। और ये तो दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ उस तरफ जो कि मैं बोल रहा था, जैसे कि उस तरफ चलते हैं और वहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलता है वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक्चुअली वन है, इसके वजह से मैं डायरेक्टली एंट्री करके डायरेक्टली मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये पार्क होता तो आपको पता है कि पार्क में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सो अगर आप एंट्री यहाँ पर करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जो कि वो सारे डिटेल्स लेते हैं, बाइक्स नंबर लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। सो फ्यू डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद डायरेक्टली अंदर आओ, उसके बाद आप रिकॉर्ड करना चाहते हो रिकॉर्ड करो, जो आपका इच्छा करे वो करो, पर कुछ गलत ना। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं काफ़ी अंदर और यहाँ पर आपको 2-3 स्टेचू देखने मिले, जहाँ पर आपको राम जी देखने को मिलेंगे और वहाँ पर सीता मैया भी देखने को मिलेंगे बैठे हुए, वो भी मैं आते वक्त कवर करूँगा। और ये जो आप पेड़ वगैरह देख रहे हैं ये सारे मैंगो के ट्रीज लगे हुए हैं और
आगे अभी मेरा जो फ्रेंड आया मेरे साथ वो आगे वेट कर रहा है, उसने जस्ट अभी कॉल किया था, वो जल्दी बुला रहा है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं काफ़ी, और वापस हमें जाना भी है काम के लिए। यहाँ पर जो गर्मी है गुजरात की ना काफ़ी ज़्यादा है, पर रात को हल्का ठंडा लगता है। बट अगर बात करें हमारे अरुणाचल की जहाँ मैं रहता हूँ एक्चुअली, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दिन में भी, मतलब मेरे घर से फ़ोन आया था, मेरे घर वाले ने बताया मुझे कि दिन में भी दो जैकेट, मतलब एक जैकेट उसके अंदर स्वेटर पहनना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पर वहाँ के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी करीब 10 से 15 मिनट चलने के बाद मैं एक जगह और आया हूँ जहाँ मतलब आपको ज़्यादातर माउंटेन्स हिल्स टाइप में देखने को मिलता है। और ये है मेरा साथ जो आया है, तो भाई ये लड़का है, इसको बहुत जल्दी है घर जाने का, तो इसने मुझे फ़ोन करके बोला भाई जल्दी आ जाओ, इसको भी काम है कुछ। फिलहाल अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरफ जा रहे हैं हम। तो अभी हम जस्ट इस तरफ से आ रहे हैं, और जैसे मैं बता रहा था हमें कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स के साइड हैं, जैसे कि आप देख ही रहोगे। चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे तरफ में भी इसी तरह के देखने को मिलता है। फिलहाल ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े माउंटेन्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम जाएंगे उस तरफ जाने के बाद ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। अभी हम कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, देख सकते हो आप नीचे, मैं स्लिप कर गया वहाँ से, करीब उतने ऊपर गया था वहाँ से स्लिप करके। ये देखो मेरा हाथ अभी यहाँ पर चोट लग गया मुझे, और पूरा हाथ पैर सब गंदा हो गया उस जगह चढ़ने के लिए। और एक्चुअली हुआ क्यों पता है, क्योंकि मुझे जो शख्स मेरा अभी कैमरामैन पकड़ रहे, जो मैंने आपको दिखाया था मेरा दोस्त, उसने बोला कि वहाँ से फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और उसके वजह से मुझे गिरना पड़ा। और वैसे मेरा ट्राईपोड भी अभी ठीक है, कुछ हुआ नहीं, मुझे लगा ये ट्राईपोड भी ख़त्म, तो मतलब ये 69 का रिसेंटली मैंने खरीदा था, वो भी बर्बाद हो जाती। फिलहाल अभी हाथ धोने का कहीं जुगाड़ देखते हैं, उस तरफ जो पानी आ रही है ना वहीं पर जाता है हाथ धोने के लिए, उसके बाद इस भाई का फ़ोटो क्लिक करते हैं। बट अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी और एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। अभी मैंने बस जस्ट उससे धोया, और यहाँ से थोड़ा हल्का सा ब्लड भी निकल रहा था, पर अभी ठीक है, इतना तो काफ़ी। फिलहाल पेंट गंदा हो गया, टी शर्ट गंदा हो गया, बट ट्राईपॉड अभी भी बाकी है, थोड़ा सा इसमें गंदगी लगी थी। अभी मैंने हाथ वगैरह धो लिया, पेंट तो पूरा गंदा हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया अभी। और एक चीज़ गाइस कि जैसे मैं अभी पानी वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जो भी स्प्रे हो रहा था ऐसे बोल देते, तो स्प्रे हो रहा था वहीं से मैंने धोया। और एक जगह मुझे नल दिखा था जिसमें से एक एक बूंद पानी गिरा था, कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी और आगे एक्सप्लोर करते हैं। और फिलहाल अभी एक चीज़ मुझे, मतलब जैसे मैं दूर से आपको बता रहा था ना कि रेड कलर का कुछ दिख रहा है आपको, रोज़ फूल जैसे मैं बोल रहा था, एक्चुअली वो कुछ नाम लिखा हुआ है, और ये जानकी वन ही लिखा हुआ है उस मतलब फ्लावर से बनाया गया है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर। और फिलहाल वो मेरे अपोजिट में है, वो देखो उस तरफ में है, फिर उस तरफ चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं। तुम्हारा यहाँ फ़ोटो क्लिक करना है यार, इसको मतलब इसी जगह में फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी है, आगे भी तो जाके कर सकते हैं ना। अच्छा यहाँ से इसको मतलब ये पूरा एरिया इसको कवर करना है, तो उस तरफ से मुझे क्लिक करना पड़ेगा, इधर जाके ये भाई यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ये जो एरिया है ना वो सारा इस कवर हो जाएगा। तो इसका फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ है जो कि दूर से काफ़ी रेड कलर का दिख रहा था, और मैं सोचा था कि ये कोई फ्लावर्स वगैरह होगा, बट एक्चुअली फ्लावर ये, पर यहाँ पर जो पार्क नहीं वन है, तो उसका नाम लिखा हुआ है जानकी वन, गुजराती में लिखा हुआ है। और अभी हम जस्ट यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, और यहाँ पर भी हम भीग गए पूरे, क्योंकि ये जो पानी देख रहे हो ना ये मतलब कंटिन्यू रोटेटिंग कर रहा था, जिसके वजह से पानी अपने शरीर में आ रहा था, उसके वजह से हम भीग गए। और ये तो काफ़ी बड़ा मतलब वन है कह सकते हो, बट यहाँ पर एक भी जानवर देखने को नहीं मिलेगा। और फिलहाल हम जा रहे हैं अंदर, तो एक्चुअली ये एक वन है, बट अभी तक मैंने एक भी जानवर नहीं देखे, और सिर्फ इंसान के सिवा। पर अभी मुझे जस्ट एक पक्षी दिखा था जिसको शायद बकुला कहते हैं, आप देख सकते हो, ये एक काफ़ी देर के बाद इस वन में देखने को मुझे मिला। बोलते हैं बचपना दिन याद कर रहे हैं और अकेला घूम रहे हैं।
सो अभी हम आए थे कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम उस तरफ से आए थे, एक्चुअली वो रास्ता था, उधर से होकर यहाँ पर आए थे। उसके बाद ये रास्ता आपका जाता है नीचे, उसके बाद अभी हम यू टर्न के मार के आ रहे हैं इधर और जाएंगे इस तरफ से। और मैंने जो दिखाया था आपको फ्लावर वाला, वो रहा आपका, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है जानकी वन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और समय कैसे बीत गए यहाँ पर आने के बाद तो पता ही नहीं चला। हम आए थे करीब, मैं टाइम दिखा दूँ, अभी जो आपका समय हो रहा है 4 बज रहा, तो हम आए थे यहाँ पर 2 बजे और 2 घंटा यहाँ पर समय बीत चुका है, पता ही नहीं चला। मैं एक्चुअली ये आपका स्टार्टिंग में रहता है, जैसे कि वो एंट्री गेट, और मैं उस वक्त यहाँ से बता रहा था कि यहाँ पर एक आपको शेर का स्टैचू देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर काफ़ी स्टैचू आपको देखने को मिला होगा, मैंने आपको दिखाया भी है। सो ये लास्ट अभी जो मतलब पूरे स्टार्टिंग से लेकर ये लास्ट अभी ये बचा हुआ है, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये स्टैचू की मैं बात कर रहा था काफ़ी अच्छा से, और ये एक्चुअली प्लास्टिक है, ऐसे देखने में लगता है कि मतलब पत्थर से बनाया गया है। सो गाइस, यही था कुछ यहाँ का जानकी वन का व्यू, जितना हो सके मैंने अपने बेस्ट के हिसाब से आपको दिखाया। और एक्चुअली खुद से देखने आकर देखने में अलग ही मज़ा है, और वीडियो में तो कुछ अलग ही दिखता है, पूरा कवर नहीं कर पाते, क्योंकि अगर पूरा कवर करूँगा तो आपका एक मूवी टाइप में बन जाएगा। अगर इस वन की बात करें तो ये एक शख्स से मैं बात कर रहा था, गार्डन जो कि वहाँ पर कुछ घास काट रहे थे, कुछ नहीं घास काट रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने, उनको भी कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने बताया कि 2014 में इसका उद्घाटन हुआ है। और आपको बता दूं कि जो मतलब गुजरात में एक सीरियल चलता है जो कि उल्टा चश्मा, उसमें एक तारा मेहता है, उन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया था, और एक मंत्री भी थे, उसके बारे में मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट वो बता रहे थे कि मंत्री और वो तारा मेहता आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए 2014 के करीब, कन्फर्म नहीं है। सो गाइस, आपको मैंने जितना हो सका अपने हिसाब से बेस्ट कवर करके दिखाया, और आपको कैसा लगा उसके लिए हमें कमेंट करके बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग अब कंटिन्यू लाता रहूँगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय एंड टेक केयर।